नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डिजिटल मित्र आशीष ओम प्रकाश जायसवाल खातेगांव.com से। अभी कुछ देर पहले हम मुख्य बाजार की ओर गए थे। परसों की तुलना में आज की स्थिति वहां पर सकारात्मक पाई गई, यानी सोशल डिस्टेंस का भरपूर वहां पर शासन का और का प्रयास भी सफल रहा और साथ ही साथ लोगों ने भी पूर्ण सहयोग करा। मेरे साथ इस वक्त पुनीत जैन है। अभी हम अस्पताल के सरकारी अस्पताल जो खातेगांव में वहाँ पर खड़े हैं, पर यहाँ पर थोड़ी ज़रूरतें हैं, यानी कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जो अनिवार्य है। वॉलंटियर जो हमने बाजार उनको यहाँ पर भी आवश्यकता है। पुनीत जी, इस स्थिति को देखकर आप क्या कहेंगे? आशीष, जैसे परसों की स्थिति हमने देखी थी, हाँ, और आज की स्थिति यदि बाजार की हम देखें तो डेफिनेटली करीब करीब 60-70% जो है लोगों में चेंजेस आया है। और उसके कारण यह है कि जिस तरीके से स्वयंसेवी कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद हैं, प्राइवेट गार्ड्स वहाँ पर लगाए गए, और कुछ दुकानदारों ने भी आगे रह के उस चीज़ को फॉलो करने के लिए लोगों ग्राहकों से अपील की है। बट जैसे ही अभी हम लोग सरकारी अस्पताल में आए हैं तो यहाँ एक चिंताजनक स्थिति हमको देखने को मिली है, क्योंकि कुछ निर्देश शासन की तरफ से भी ऐसे थे, उसमें डॉक्टर्स भी कंफ्यूजन में हैं कि हम लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखें या नहीं रखें, तो वो एक अपना अलग विषय है। वहाँ पर भीड़ होना स्वाभाविक बात है, पर जो इंतजाम यहाँ पर हैं, जो चूँकि ये लोग पहले से बीमार हैं, ऑलरेडी इम्यून सिस्टम इनका गड़बड़ाया हुआ है, कोई खांसी से पीड़ित है, कोई सर्दी से पीड़ित है, कोई और दूसरी चीज़ों से पीड़ित है, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे, यानी 1-2 साल के बच्चे भी जिन्हें रात में उल्टी हुई है, उनकी स्थिति भी अगर आप देखें तो बहुत ही भयानक है। वही चीज़ है कि यदि यहाँ इन लोगों को प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं करवाया गया तो इनमें ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनका वीक है, ये वीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और हम लोग बात भी कर रहे हैं प्रशासन को भी इस बारे में, हमने एक सूचना दी है कि यहाँ पे भी कुछ कार्यकर्ताओं को लगाया जाए। सेकंड चीज़ कि परसों हमने जब SDM साहब को बताया था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है धूप की, तो अभी टेंट तो लग गया, बट इस टेंट को और थोड़ा लंबा करेंगे, डबल साइज़ का कर दें इसको, ताकि ये जो लोग चूँकि छाव के कारण ये लोग जो है वो पास में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा लंबा डिस्टेंस हो जाएगा या बैठने की कहीं प्रॉपर व्यवस्था हो जाएगी इनको, तो शायद यहाँ पे भी हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि अगर हम देखें कि यहाँ पर टेंट बढ़ा दिया जाए, कुछ कुर्सियाँ की इंतजाम करा जाए, प्लास्टिक की जो टेंट की कुर्सियाँ आती है उसका इंतजाम करा जाए, उनका राउंड बनाकर भी रख दी जाए, तो सोशल डिस्टेंस यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर उसका एक अनुरूप भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस तरह से आप सरकारी स्तर को देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ कमियाँ हैं भी है कि यहाँ पर जैसे जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स चाहते हैं स्वेच्छा से, क्योंकि गवर्नमेंट उनको ज़बरदस्ती प्रेशराइज नहीं कर सकता, तो यदि वो चाहते हैं स्वेच्छा से यहाँ पे अपनी सेवा देना तो वो भी दे सकते हैं। आप देखो कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान हो रहे हैं, पेडियाट्रिक्स यहाँ पे स्पेशलिस्ट हैं या नहीं है वो अंदर जाके हम लोग कन्फर्म करेंगे, उसमें कुछ जो है वो प्रेग्नेंट वुमेंस भी हैं, नॉर्मल जो है वो भी हैं, क्योंकि बच्ची सुबह से परेशान हो रही है, उनके पिता से भी हमने बात की थी, तो सुबह से ये भी परेशान है उस बच्ची को लेकर, तो मतलब दिक्कत तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। और अब हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि इनको कैसे हम शॉर्ट आउट करें, क्योंकि जो कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है तो यहाँ सबसे पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि आपको कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं, और सेकंड चीज़ की सोशल डिस्टेंसिंग कितना फॉलो। और जो लोग अभी क्या ये अलग अलग खाद्यों के रास्ते में देखें तो अलग अलग तरह से अलग अलग गाँव से लोग आए हैं, और यहाँ पर अगर देखें तो सब मिक्स हो चुके हैं अभी, तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज दोपहर से ही इस पर काम चालू कर देना चाहिए, यहाँ पर टेंट बढ़ा देना चाहिए, साथ ही साथ कुर्सियों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि कुछ स्वयंसेवी गार्ड भी यहाँ पर लगा देना चाहिए, इस तरह बाजार में है, तो उससे और भी स्थिति में सुधार आ सके। धन्यवाद।